मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन, बुद्धि और ये जो फरिश्ता स्वरूप स्थिति है, यह है संस्कार। समझ के बाद देखो, इस अवस्था में आओ, उस दिव्य अवस्था में आओ, और तुम जिन बातों को लेकर परेशान हो उनका एक्चुअल कोई वजूद नहीं है। ध्यान से चेक करो, कोई वजूद ही नहीं है, और बिना वजूद के तुम परेशान हो। हाँ, जिसका वजूद है आत्मा, उसके लिए अगर तुम परेशान हो जाओ तो अच्छी बात है, पर जिसका कोई वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं, उसके लिए कहाँ से परेशान। समझ की बात है, इस संसार में संगम पर चलते, आत्मा छोड़कर कभी भी किसी भी बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, कभी भी आत्मा छोड़कर। अगर तुम आत्मा छोड़कर किसी बात के लिए परेशान हो तो बच्चे तुमसे बड़ा भ्रमित कोई नहीं है। तुम सिर दर्द के लिए परेशान होते, दवाई करो, चुप रहो, अपने समय पर ठीक हो जाएगा। तुम पेट दर्द के लिए परेशान होते हो, दवाई करो, चुप रहो, आराम देना है आराम दो, भोजन देना है भोजन दो, परेशान क्यों हो रहे हो। शरीर में कैसी भी समस्या है, परेशान क्यों हो रहे हो। सूक्ष्म शरीर की समस्या है, चक्रों की समस्या है, आई कैन अंडरस्टैंड डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पर डिस्कम्फर्ट भी तो बाहर है, तो अंदर क्यों परेशान हो रहे हो, आत्मा क्यों परेशान हो रही। इसी संस्कार में संकल्प निकट कर रहे, अगर शरीर छोड़ने का टाइम आया तो क्या डिस्कम्फर्ट में शरीर छोड़ना है। इतने वर्ष पुरुषार्थ करके शरीर के किसी बात को लेकर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है और वही टाइम आया है अभी निकलना है शरीर से बाहर, तो क्या उसी फीलिंग्स में निकलना है। तो इन सबको अलग रखो अपने से। इवन मन बुद्धि संस्कार, उनके भी कार्य को अपने से अलग रखो। मन का परिणाम भी आत्मा पर ना हो, बुद्धि का परिणाम भी आत्मा पर ना हो, संस्कार का परिणाम भी आत्मा पर ना हो। क्यों हो रहा है, मन में चल रहे है ना वेस्ट थॉट, तो आत्मा क्यों डिस्टर्ब हो रही। वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट्स मन में चल रहे है ना, मन तो अलग है, तो आत्मा क्यों परेशान हो रही। ठीक है, वेस्ट और नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, पर बच्चे आत्मा को कोई वाइब्रेशंस फर्क नहीं करता। ध्यान में रखना, ब्लैंक स्टार पर किसी भी वाइब्रेशन का असर नहीं होता। वाइब्रेशंस का असर सिर्फ मन बुद्धि संस्कार पर ही होता है, तो आत्मा क्यों परेशान हो रही। आत्मा तो अलग है, आत्मा पर परिणाम करे ऐसा अस्तित्व इस संसार में नहीं है। ध्यान में रखना, आत्मा आत्मा है, वो सब पर परिणाम कर सकती है, उस पर कोई परिणाम नहीं कर सकता, कभी नहीं। ठीक है, वेस्ट विजन, निगेटिव विजन बुद्धि में चल रहा है, आत्मा क्यों परेशान हो। ठीक है ना, चलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि में नेगेटिव वेस्ट चल रहा है ना, चलते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं निश्चिंत हूं, मैं आत्मा। संस्कार मना मन बुद्धि में इमर्ज हो रहे, वेस्ट और नेगेटिव, उसका परिणाम ब्लैंक स्टार पर आत्मा पर क्यों आ रहा है। असली परिवर्तन तब स्टार्ट होगा जब आत्मा पर मन बुद्धि संस्कार का भी परिणाम होना बंद हो जाएगा।
और आत्मा जो करेगी उसका परिणाम इन पर होगा, तभी होगा वो। जब इनका परिणाम आत्मा पर बंद होगा तो आत्मा का परिणाम इन पर स्टार्ट होगा। अच्छा, पर तुम्हारे मन से तुम अपनी स्थिति खलास करते हो, बुद्धि से अपनी स्थिति खलास करते हो, संस्कारों से अपनी स्थिति खलास करते हो। माया को पता है, माया आत्मा को कभी नहीं पकड़ सकती है, माया मन बुद्धि संस्कार को पकड़ सकती है। इसलिए माया को पता है, इसके मन को पकड़ो इसकी स्थिति डाउन हो जाती, बुद्धि को भटकाओ स्थिति डाउन होती, संस्कार विपरीत इमर्ज करो स्थिति डाउन होती है। माया आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकती, इतनी शक्ति नहीं है उसके पास कि वो आत्मा को टच करे। इसलिए अपनी अवस्था में आओ पूर्ण रूप से, और मन बुद्धि संस्कार को भी अलग रखो, निश्चिंत बैठो, मालिक स्वरूप ठीक है। अभी तुम ऐसे हो ना रहो, थोड़ी देर के बाद जब अच्छे स्थिति में आओगे बात करेंगे। बुद्धि भटक रहे हो ना भटको, जब अच्छी स्थिति में आओगे बात करेंगे। संस्कार विपरीत इमर्ज हो रहे हो जाओ, अच्छे स्वरूप में आओगे बात करेंगे। समाप्त। मालिक बनकर बात करो, मालिक बनकर, मालिक अपने नौकरों को सेवकों को ऑर्डर करता है, और सेवकों की स्थिति ठीक नहीं है तो मालिक कहता है थोड़ी देर के बाद मिलते सेवा के लिए। पर सेवकों की स्थिति से मालिक की स्थिति नहीं बिगड़ती कभी, ध्यान में रखना। मन किसी भी विचार में हो आत्मा पर परिणाम नहीं आना चाहिए, न बुद्धि का न संस्कार का। आत्मा राजा है, मालिक है। हाँ, आत्मा के हर बात का परिणाम इन पर जाना चाहिए, हर ऑर्डर। समझ की बात है सारी। अभ्यास करो, गहन अनुभूति में उतरो तो पता चलेगा नाम रूप तो कहाँ का कहाँ रह गया इस अभ्यास में, कहाँ का कहाँ। ये तो बच्चे मन बुद्धि संस्कार को भी छोड़ दिया, उनका भी परिणाम नहीं आ रहा है, ऐसी अवस्था में बैठे हैं। ये है दिव्य अवस्था, और उस आत्मा से ही परमात्मा मिलता है जो इस अवस्था में बैठी है। वरना मन के वश जो आत्मा है उसे परमात्मा नहीं मिलता, कितना भी योग करो। बुद्धि के वश जो आत्मा है उसे परमात्मा नहीं मिलता, कितने भी चित्र विजन क्रिएट करो। संस्कार के वश जो आत्मा है उसे परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा सिर्फ उसी आत्मा को मिलता है जो आत्मा स्वतंत्र है, सबसे परे है, अपने में बैठी है। उसी आत्मा से परमात्मा मिलन मनाता है, बाकी नहीं। देह वाली तो बच्चे छोड़ ही दो, वो तो कहाँ की कहाँ गई। मन वाली आत्मा से मैं नहीं मिलता, बुद्धि वाली से नहीं, संस्कार वाली से नहीं मिलता। देह और देह के संबंध अगर तेरी बुद्धि में, परमात्मा तुझे सपने में भी याद नहीं करता, समझ जाना। तू कितना भी याद कर मुझे, कितना भी,